अब खबर डोईवाला से है, जहां वार्ड नंबर 99 अपर नकरौंदा क्षेत्र के अंतर्गत टूटी सड़क के कारण पैदल चलने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो नगर निगम देहरादून के अंतर्गत भी आता है। साथ ही सड़क के बीच से गुजर रही सिविल लाइन का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह रहा है, जिससे सड़क में गहरे गड्ढे बन गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि टूटी और खस्ता हाल सड़क की न तो कोई जनप्रति और न ही विभाग का कोई अधिकारी, जबकि यह क्षेत्र विधानसभा से महज 7 किलोमीटर दूर है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। तो ये दुलेनी नदी है, इसमें भी पानी कई बार ऊपर आ जाता है, रोड पे चलता है, कई बार इसमें चलती गाड़ी धस जाती है, कई बार हर आदमी को परेशानी है इस पे आने जाने वाले को, जितनी भी गाड़ियां हैं सब परेशान होता है, रोज आता है कोई ना कोई गिरता है इस रोड पर। मंत्री विधायकों से कोई आश्वासन किसी से नहीं। उसकी घिरी हुई कॉलोनी है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आबादी रहती है, पहले तो उन लोगों ने कई आंदोलन करे, आज वो लोग आंदोलन कर रहे हैं कि जो यहाँ पर बिछाया जा रहा है और जो भी सिविल लाइन का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है तो इसे कहीं और पर स्थापित किया जाए। और जो ये सड़कों की स्थिति है यहाँ पर लगातार ऐसी दयनीय स्थिति बनी हुई है कि लोग, आम जनता आप देख रहे होंगे कैसे कई लोग गड्ढों में गिर रहे हैं, कई लोग इतने प्रताड़ित हैं। स्कूल में जब बच्चों को ले जाते हैं तो हम सुबह के वक्त देखते हैं तो माँ और जो अपने बच्चों को लेके जा रही होती है वो गिरे हुए होते हैं इस सड़कों में। तो हमने इतनी बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। सभासद से इसकी शिकायत करी, विधायक जी से इसकी शिकायत करी, सांसद जी से इसकी शिकायत करी, पर कोई सुनने को राजी नहीं। सीवरेज का काम जब से शुरू किया आधा अधूरा छोड़ दिया और सारा पानी उसी से बाहर आ रहा, अभी तो चलो पानी आ रहा, अब कल के दिन जब सीवरेज शुरू होगा और पानी के साथ सारा गंदगी बाहर आएगी तो यहाँ के लोगों का तो जीना हराम हो जाएगा। देखिए वो लोग तो देखो कोई भी हो वो सुनते थोड़ी है जनता की, जनता के बीच में आके यही बोलते कि हाँ भाई हम तो कर रहे हैं। आप लोगों को दिख रहा, सभी को दिख रहा है कि कितनी भलाई हो रही जनता की। ये बरसात जब से शुरू हुई है तब से लीकेज हो रहा है पूरा, अब बाकी देख लो आप गड्ढों से कितना पानी बाहर निकल रहा है। अभी तो ये पानी है, चलो ये साफ पानी कोई दिक्कत नहीं है, कल के दिन जब सीवरेज जुड़ेगा और उसके बाद उसके साथ जो गंदगी बाहर आएगी उससे तो लोगों का तो जीना हराम होना ही है ना।